अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप सबका स्वागत है फेरी बॉय व्लॉग चैनल में। तो आज की शुरुआत फाइनली मैंने वापस से छत से कर ली हूँ, क्योंकि क्लाइमेट देख लो इतना ऑसम है, इतना मजेदार है। आज फाइनली टाइम देख लो, मैं आपको दिखाती हूँ, बज रहे हैं 9:28 एंड फाइनली आज मैं मॉर्निंग से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ। क्लाइमेट देख लो, कौवे खूब चहचहा रहे सुबह सुबह, और अभी अभी बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो मैंने सोचा छत से ही आज व्लॉग जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी बिल्डिंग के पीछे ये मुमड़ा का पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक वगैरह जाती भी है, एंड ये बाईपास है, ये पूरा मेन रास्ता है, मतलब यहाँ से बड़ी ट्रकें वगैरह जाती है। कि क्लाइमेट की बात करूँ ना, तो क्लाइमेट बहुत सही हो रखा है, एकदम इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस चलते हैं नीचे, स्टार्ट करते हैं आज अपना दिन। तो सबसे पहले मॉर्निंग मेरे जोहान से मिलो, मेरा बेटा उठ चुका है। जोहान सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे की मॉर्निंग एकदम फजर में ही हो जाती है, फिर वो अपनी फुप्पू को भी नहीं सोने देता है, क्योंकि बड़ी फुप्पू तो चली गई है फुप्पा के साथ घूमू घूमू करने, तो अब उसका काम है छोटी फुप्पू को परेशान करना, है ना। छोटी फुप्पू को मुख छोने नहीं देंगे, छोटी फुप्पू को मुख छोने नहीं देंगे, है ना। तो मेरा कलेजा उठ चुका है, अब हम लोग जाएंगे जोहान के लिए नाश्ता बनाएंगे, फुप्पू के लिए भी नाश्ता बनाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइट के ड्रिंक पियेंगे, है ना छेना। हची हची कर दो, अली बाबले ही कलेजू, मम्मा हच के दिखा दो। हो अरे मैं बेटा मेरा कलेजा। तो गाइस आज डाइट ड्रिंक में मैं लेने वाली हूँ ये चिया सीड और पानी। जैसे मैंने आपको बताई की थी कि मैं वेट लॉस की जो ड्रिंक होती है हमेशा चेंज करती रहती हूँ, एक पार्टिकुलर जो ड्रिंक होती है वो नहीं लेती हूँ, तो आज मैं चिया सीड पीने वाली हूँ। सिर्फ ग्रीन टी मैं दिन में दो बार पीती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे जंक फूड्स खाती हूँ ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैलेंस करके रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे वेट लॉस नहीं करना है बट मुझे वेट को बढ़ाना भी नहीं है। तो आज की जो स्टार्टिंग है वो करते हैं चिया सीड से, तो फ्रेश हो जाते हैं और इस ड्रिंक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। आफ्टर ड्रिंक यहाँ पे मेरी शुरुआत हो चुकी है रेसिपी शूट करने की। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ वेज पुलाव और उसके साथ सोयाबीन की मजेदार सी ग्रेवी। दोनों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी #foodiegirl पे। साथ में यहाँ पे बॉईल हो रहा है एग, और इसका मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाला अंडा पाव, बहुत यूनिक रेसिपी है, आपको शॉर्ट्स में इसकी रेसिपी मैं डाल दूंगी। और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय, और बाहर हो रही है खूब जोरों से बारिश, तो फटाक से नाश्ता पहले कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और इसमें मैंने प्याज डाली, हरी मिर्ची, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और अंडा और नमक, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एग मसाला पाव, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, इतना यम्मी बनता है ना, बहुत अच्छी इसकी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा गर्मा गर्म ऑमलेट, गर्मा गर्मा नहीं, गरम गरम ऑमलेट। आज बाहर जाने का बहुत अच्छा प्लान था, पर सुबह से बारिशों ने थक जता लिए है मुमरा पे, तो क्या हो रहा है ना पता है। ए ले कुलसुम, तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पाव, इसे अच्छे से गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये ना अंडे के साथ ऐसा वाला पाव ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत गर्मा गर्म है। और ये ऑमलेट रेडी हो चुका है, और ये एक न्यू डिश है, ये अंडा मसाला पाव है, बहुत टेस्टी लगता है, और आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ, और ये देख लो ऑमलेट पाव भी रेडी हो गया है, चलो फटाफट नाश्ता करते हैं। ऑमलेट ऑमलेट संडे हो गया, मंडे रोज खाओ अंडे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप सबका स्वागत है फेरी व्लॉग चैनल में। तो अगेन मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, व्लॉगिंग मेरी मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई, मैंने सुबह से क्या क्या काम की हूँ सारी चीज़ें आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। तो फाइनली अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं काफ़ी टाइम से रेडी होके वेट कर रही थी, पता है क्या हुआ, लाइट चली गई। मेरे साथ हमेशा पता नहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो
बाय द वे मैं आपको ये बता रही थी कि फाइनली आई एम रेडी, इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो मौसम तो सुबह से इतना मस्त बना हुआ, इतनी कंटिन्यू बारिश है। मैं आजकल मौसम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपने व्लॉग में, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा बन रहा है यार, बारिश हो रही है, क्लाइमेट बन रहा है, मूड बन रहा है, मतलब लाइक बाहर जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो और क्या। तो बस इवनिंग हो चुकी है, लगभग 5:30 के करीब हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी कि बारिश रुके या लाइट आ जाए तो मैं इंट्रो स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने फाइनली इंट्रो स्टार्ट कर दी। तो हम लोग जा रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार इन्जॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पलावा मॉल। बहुत सारे मॉल है अवेलेबल, लेकिन हमने सोचा विव्याना कोरम थाने छोड़ के हम कहीं और भी जाते हैं, तो आज हम जा रहे हैं पलावा मॉल और आज हम इंजॉय करने वाले हैं मूवी। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मेरे साथ कुलसुम और मुस्कान दोनों जाने वाले। तो कुलसुम रेडी है, मुस्कान भी रेडी, और मुस्कान ने ना इवनिंग की चाय छत पर ही ले आई। ये लड़की का दिमाग देखो कितना चल रहा है। मैंने सोचा निकलने से पहले हम लोग इवनिंग की चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मुस्कान भी रेडी हो चुकी है और गर्मा गर्म मुस्कान ने चाय ले आई है। तो चलो इंट्रो वगैरह स्टार्ट तो मैं कर दी हूँ, चाय पीते हैं इवनिंग की। इवनिंग की चाय पी के निकलते हैं, पलावा मॉल जाते हैं। बाय द वे महाजान के बाद मैं आपको बताऊंगी हम लोग कौन सी मूवी जा रहे देखने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लोधा पलावा। डोमिनोज में ना पंखा खराब हो गया लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और हमारी मूवी छूट गई। हमारे साथ इतना बुरा हुआ, ये देख लो 8:05 का मूवी का शो था और ट्रैफिक हमें इतनी ज़्यादा मिल गई कि 1.5-2 घंटा में ट्रैफिक में लग गया, इसकी वजह से हमारी मूवी छूट गई। लोधा का डोमिनोज, एक्चुअली पलावा में शायद डोमिनोज नहीं है मॉल में, तो हम लोग आ गए हैं। एम्बियंस अच्छा यार, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। ये दोनों देखो यहाँ बैठे हुए हैं और लैंप वगैरह देख लो, काफ़ी अच्छा है एम्बियंस है डोमिनोज का। चलते हैं कुछ ऑर्डर देने के लिए कि क्या खाना है हमें। ये इंडिया के डोमिनोज का मेन्यू कार्ड, अभी हम डिसाइड करें कि हम क्या खाने वाले हैं। पीछे कुछ भी नहीं है, आगे ये जो भी है। ये है पिज़्ज़ा हट का मेन्यू, ये अभी न्यू निकला है पराठा पिज़्ज़ा, बट हम ट्राई नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ जिज्बी की पार्सल वेज में, जो मुझे बहुत पसंद है। ये वाला ये पार्सल, ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है और मैंने इस टॉप पे गार्लिक ब्रेड भी ले ली। तो फाइनली हम लोग ने डोमिनोज से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाली भूख लग रही थी ना हमें। और हाँ हम लोग ने नहीं, मैंने लंच किया था, कुलसुम ने नहीं की थी। और ना बाय द वे क्या बोलते हैं ना, मैंने आज मैं डोमिनोज आई हूँ क्योंकि मुझे खाना था झिंगे पार्सल, इतना टेस्टी, इतना यम्मी होता है। साथ ही में हम लोग ने चीज़ी पिज़्ज़ा ले लिया और स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड लिया, क्योंकि वो हमने कभी ट्राई नहीं किया था, तो हमने सोचा आज मौका है, चलो ट्राई करते हैं। गार्लिक ब्रेड खाए बट डोमिनोज का नहीं ट्राई किए। नहीं ट्राई किए थे ना रीफा के साथ अपन ने ट्राई किए थे। हम लोग ने ट्राई किए थे। तो बाय द वे ऑर्डर हो चुका है हमारा और हम मूवी जा रहे हैं फाइनली, बट मूवी के लिए हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो शो है वो 10:30 का है। तो जब तक हम बाहर ही कहीं इंजॉय करेंगे और 10 बजे तक हम मॉल में जाएंगे और फिर हम लोग आए थे लास्ट। तो हमने है ना अपने फ्रेंड से, मतलब रीफा से ही मैंने पूछा, क्योंकि उससे ही मुझे आइडिया मिल सकता था। तो उसने कहा कि लाल सिंह चड्ढा बहुत गंदी मूवी, गंदी नहीं है मतलब फ्लॉप में गई है, तो इतनी अच्छी नहीं है। अब मूवी तो हमें देखना था क्योंकि हमारा प्लान हो चुका है, मूड बन चुका है, देखना तो कंपलसरी है। तो हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन मूवी देखने अक्षय कुमार की, जिसका शो का टाइमिंग 10:30 बजे का है। जब तक वेट करते और क्या कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारा ऑर्डर आ गया है, तो हमने ये झिंगी पार्सल लिया है एक एक सबके लिए। ये बाय द वे बिल, इसमें हमने क्या क्या लिया है वो देखो, एक स्टफिंग गार्लिक ब्रेड है और डोमिनोज पिज़्ज़ा है चीज़ी, सब गर्मा गर्म, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, क्या बताओ। कुल तुम खोलो। ये है हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा और झिंगी पार्सल हाय, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी होता है। ये मैंने बाय द वे वेज में लिया है झिंगी पार्सल, और ये भी वेज है। आज हमने सब वेज लिया है, नॉन वेज हमने एक भी नहीं लिया है। कुल तुम गार्लिक ब्रेड ओपन कर लिए, गार्लिक ब्रेड तोड़ के दिखाओ तुम क्या लिए। ओहो ओहो, पूरा स्टफ किया भाई, ऐसे ही तोड़ो। तो ये है हमारा गार्लिक ब्रेड। हाँ, चीज़ तो देखो क्या सही दिया उन्होंने, देखो
बहुत गर्म गर्म है भाई, मेरा हाथ जल रहा है। अब फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना सब इंजॉय करते हैं। चीज़ वाला पिज़्ज़ा लिया हम लोग ने, और यहाँ वाले डोमिनोज वाले अच्छे भाई, अच्छा वाला पिज़्ज़ा वीज़ा बना के दिए, मस्त वाला। गार्लिक ब्रेड भी मस्त वाली है। अब खा के टेस्ट देखते कैसा है मुस्कान, टेस्ट कुलकम कैसा है, जिंगी पार्सल अच्छा लगा टेस्ट। चलो भाई खा के फटाफट फिनिश करते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा ये गार्लिक ब्रेड ट्राई करना है, इतना चीजी सा है, तो पहले मैं ये खाती हूँ अपना। तो मजा आ गई हम लोग को डोमिनोज खा के। यहाँ का डोमिनोज अच्छा है, मतलब ना क्वालिटी मस्त है। जो मतलब 99 वाला पिज़्ज़ा जो रहता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, क्योंकि मैंने चीज़ पिज़्ज़ा ली थी वो मुझे 109 का था, एंड कुछ एक्स्ट्रा GST वगैरह थी। बाय द वे आज हम लोग दीदी को बहुत मिस करे, तो दीदी तू देख लिए तो मिस यू, क्योंकि दीदी गई है भाईजान के साथ, तो मिस यू क्योंकि हमेशा दीदी रहती है और सब साथ में खाते तो बड़ा मज़ा आता है। इसके लिए आज दीदी नहीं है तो उसको हम लोग मिस कर रहे हैं। बाय द वे अभी कुछ तुम ट्राई करने वाली गार्लिक ब्रेड, और इतना यम्मी ना, खुशबू सुन के ही ना मुझे मतलब लाइक चीज़ देखो चीज़ भाई साहब, आज फिदा ही लगता है डोमिनोज वाली हमें। कुछ टाइम है ना हमें चीज़ें अच्छी मिलती है, और अगर हम लोग ऐसे क्राउड वगैरह में चले जाएंगे ना तो हमें खाने का मन ही नहीं होता है, पैसे वेस्ट हो जाते हैं सकता है हमारे। सो फाइनली मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अंदर इतना घर घर हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था डोमिनोज के। मैंने देखा यार मुंबई के कोई भी डोमिनोज में ना आपको AC नहीं मिलने वाली है, कहीं के भी डोमिनोज चले जाओ। मैं कलवा के गई थी, उमरा के गई थी, सिर्फ मॉल में जाओगे तो आपको कहीं AC मिलेगी, यहाँ तक कि पलावा के डोमिनोज में भी AC नहीं है। गर्मी है उसे ना हाल बहुत बुरा हो गया, और ऊपर से वो फंका घर घर पता नहीं क्या हो गया फंके को, मेरी वीडियो खराब हो रही थी। तो भाई देख लो ये डोमिनोज है और ये पलावा मॉल है, कहाँ गया भाई मॉल, हाँ पूछ रहे ना वो एक्सपीरिया। तो अभी एक्सपीरिया में मे भी शायद डोमिनोज नहीं है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे खोले डोमिनोज। और अब चलते हैं गर्मा गर्म चाय पीने। आप देखो ये दोनों लड़कियों के फोटोशूट चालू है, देखो इनके, ये भी मेरे ऊपर चली गई है भाई, जहाँ दिखे रील्स बना लो फोटो खींच लो खत्म। चलते हैं गर्मा गर्म चाय पीनेंगे, उसके बाद जी भर जाएगा, उसके बाद चलेंगे मूवी देखने। हम लोग पहुंच गए एक्सपीरिया मॉल, चलते हैं अंदर वरना, और चल के फटाक से टिकट लेते वरना ऐसा ना हो जाए फिर हमारा जो मूवी है वो छुड़ जाए। बाकी पलावा बनाया बहुत अच्छा है, मॉल देख लो क्या मस्त है पलावा मॉल, किस तरीके से सजा था 15 अगस्त के लिए, हाय हाय क्या मस्त सजा हुआ है ना। बट मतलब वैसा वाला हाय हाय नहीं, मतलब कितना अच्छा सजा हुआ है, वाओ ऐसे देख के ना बहुत खुशी होती है। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियन है, तो चलते हैं ऊपर। और बाकी इतना मतलब ज्यादा नहीं सजाए, एकदम सिंपल सा सजाए, बट अच्छा सजाए। मॉल में होना तो बस ऐसा दिल करता है कुछ खरीद लो, ले लो बस ले लो। है फूड कोर्ट ऊपर का, और सामने है PVR। ये मुझे बाय द वे वाली चॉकलेट खाना है, मैं एक बार तो इसे जरूर ट्राई करूंगी, मन है मेरा ये कैंडी खाने का, फेवरेट है मेरी कैंडी। सेल वगैरह भी लगी है, ये देख लो। पता है मैं ढूंढ रही हूँ छोले भटूरे, कहीं तो मुझे दिख जाए छोले भटूरे। डिजर्ट नहीं, पहले हम लोग जाएंगे टिकट लेने मूवी की, पहले हमें लेना है टिकट। ये रहा PVR हमारा, एंड PVR एंड देन ये शो लगा हुआ है, देखते हमें टिकट मिलती या नहीं। फाइनली हमारी रक्षाबंधन की टिकट बुक हो गई है, हमें मिल चुकी है, और आजकल सिस्टम न्यू निकला है, ये देख लो व्हाट्सएप पे आपको टिकट आएगी, आपको इन हैंड नहीं दी जाएगी टिकट। तो बस वेट करते हैं, अभी बस गए हैं 10:15 और 10:40 का हमारा शो है, तो हाफ एन आवर मुझे इसी तरह वेट करना पड़ेगा। हम मुझे छोले भटूरे दिख गए, चलो छोले भटूरे का प्राइस देखते हैं। बट बाय द वे मैं एक बात बताऊँ ना, अच्छा पाव भाजी और स्वीट कॉम्बो है,
यहाँ पे भी बहुत सारा मेन्यू है। अभी इतना सब खा लिए, इसके लिए हम लोग मैगी ही खाने वाले छोले भटूरे, क्योंकि ना वॉमिट जैसा हो रहा है, अब ना कुछ खाने का मन नहीं है। कुलसुम के लिए मैं लेने जा रही हूँ कोक फ्लोट मैकडोनल्ड से, क्योंकि कुलसुम को कोक फ्लोट पीना है अब, उसको प्यास लग गई है, तो कोक फ्लोट लेते हैं। हमने ये ले लिया है मैक पिज्ज़ा पफ और ये कोक फ्लोट। चल मुस्कान, अब हम लोग ये इंजॉय करने वाले हैं, हमारा कोक फ्लोट और ये मैक पफ हम लेके जाएंगे अंदर, और ये कोक फ्लोट हम अभी इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि हमें प्यास लग गई है। और ये ना मुझे बहुत पसंद है, और ये कितना गरम गरम है, बट अंदर जाने के बाद ठंडा हो जाएगा, बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये एक मैंने मेरे कुलसुम और मुस्कान के लिए ले ली हूँ, तो ये तीनों हम लोग लेके जाएंगे अंदर, मतलब अंदर अंदर कर रही हूँ, मतलब लाइक थिएटर के अंदर, और इंजॉय करेंगे। और ये मेरा कोक फ्लोट आ गया है। मिशन कम्प्लीट, फाइनली मिशन कम्प्लीट। सो फाइनली हमारी मूवी खत्म हो चुकी है, पूरा मॉल बंद हो चुका है, ये देख लो सारी शॉपें क्लोज हो गई है। एंड बाय द वे मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पैसा वसूलता। हम लोग इतना जद्दोजहद किए मूवी देखने के लिए, और लाइक आने के लिए 2 घंटा वेट किए, पर पैसा वसूल हो गया, बहुत अच्छी मूवी थी। पूछ ले कॉफ़ी है क्या, नहीं होगी, मैं भी ख़त्म हो गई होगी। कॉफ़ी है अवेलेबल, क्लोज हो गया काउंटर, इसको रात को कॉफ़ी चाहिए, मैकडोनल्ड बर्गर किंग में कॉफ़ी पूछ रही, पागल हो गई है कुलसुम आज। बाय द वे चलो अब जाते हैं घर, और आईफोन को भी देखो आज, लास्ट तक उसमें जान बची रही कि मैं लास्ट तक वीडियो ले ली। अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी।